दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर मनीषा रानी ने फुकरा इंसान को धमकी दे दी है और कहा है कि तू एक बार बेबिका से अकेले में जाकर बात तो कर, फिर हम तेरा पिछवाड़ा फाड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सेम यही लाइन यहाँ पर फुकरा इंसान को मनीषा रानी ने कही है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि कुछ समय पहले बेबिका का और मनीषा का बुरी तरीके से झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के दौरान मनीषा रानी को बेबिका ने कह दिया था कि तू कौन होती है हमारे झगड़े के बीच में पड़ने वाली, और ये चीज कहीं ना कहीं मनीषा रानी को बुरी लगी थी। वहीं दोस्तों झगड़े के दौरान यहाँ पर बेबिका ने अभिषेक को कहा कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है, कल अगर टाइम मिले तो अकेले में बात करना। और दोस्तों इस दौरान इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर मनीषा रानी को काफी गुस्सा आया हुआ है और मनीषा रानी अपने दोस्त को यानी कि फुकरा इंसान को डांटते हुए कह रही है कि उसको जब तेरे ऊपर कोई आरोप लगाने होते हैं, तेरे से झगड़ा करना होता है, तेरी बुराइयां करनी होती है, तब तो सबके सामने करेगी वो, लेकिन जब अब तेरे को बात करनी है उसको तब अकेले में जाके 1-to-1 बात करो, ये कहाँ का नियम है भाई। और इसी के साथ उन्होंने फुकरा इंसान को धमकी देते हुए कहा है कि देख तू कल उससे बात तो कर एक बार 1-to-1, फिर देख हम तेरा कैसा पिछवाड़ा फाड़ते हैं। इस दौरान दोस्तों फुकरा इंसान इतने बुरी तरीके से शर्मा गए कि उन्होंने पिलो से अपना मुंह कवर अप कर लिया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर मनीषा रानी ने फुकरा इंसान के लिए स्टैंड लेते हुए कहा है कि देख कल वो बेबी का मेरे सामने तेरी बुराइयां कर रही थी, हम थोड़ी देर तो सुनते हैं लेकिन फिर जब ज़्यादा हो जाता है तब हम वहाँ से उठ के उसको पूरा इग्नोर करके चले जाते हैं, क्योंकि हम तेरी बुराई किसी से नहीं सुन सकते। और ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं फुकरा इंसान को काफ़ी खुशी मिलती है। कुल मिलाकर दोस्तों मनीषा रानी वाकई दिल से यहाँ पर फुकरा इंसान के लिए दोस्ती निभा रही है। आपको कैसा लग रहा है फुकरा इंसान और मनीषा का ये बॉन्ड, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इन दोनों की दोस्ती को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।